मोमोज बना रहे हैं। देखिए, हमने ये सोया चंक्स को सोक कर दिया था तेज गरम पानी में 10 मिनट के लिए, और अब इन्हें हमने चॉपर में डालकर इस तरह से चॉप कर लिया है। कुछ वेजिटेबल्स ली हैं, प्याज देखे हमने चॉप कर लिया है, हमने गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च और प्याज देखे एक जगह चॉप कर लिया है, और कैबेज भी हमने देखे अच्छे से चॉप कर ली है। इस तरह से हमें चॉप कर लेने, सबसे पहले हम फिलिंग तैयार करेंगे, उसके बाद मैदे से बनाएंगे। और सबसे पहले हमने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, देखें लगभग 1 टेबल स्पून के करीब है ये। सबसे पहले हम सब्जियों को फ्राई कर लेंगे, तेज अच्छे गर्म तेल में हमें सारी सब्जियां फ्राई कर लेंगे। ये देखें, सब्जियां अच्छे से फ्राई हो गई हैं और हमने इसमें सोया चंक, अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम इसमें काली मिर्च ऐड कर रहे हैं थोड़ी, लगभग 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, नमक डालेंगे और थोड़ा सा लहसुन अदरक का, लगभग 1/2 टीस्पून के करीब है ये। ये सोया सॉस ऐड करेंगे, थोड़ी ग्रीन चिली सॉस भी देखें हम ऐड करेंगे, और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ढक कर पकाएंगे। एक कटोरी मैदा ले लिया है, इसको छान लेंगे। हमें सेमी सॉफ्ट डो बनाना है, इसे थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर हम इसे गूनेंगे। पंचिंग कर लेंगे। अब हम हमें इसको देखें, लगभग हमारा आटा गुन गया है, लोइयां तोड़ लेंगे और देखें इस तरह से हमने इतना थिन इसे बेल लेना है, और किसी भी मोल्ड से हम इसे जिस साइज में आप बनाना चाहें काट सकते हैं। मुझे थोड़े बड़े साइज के बनाना थे, तो मैंने थोड़ा बड़ा साइज का राउंड शेप काट लिया है, और थोड़ी थोड़ी हम फिलिंग रखेंगे इसमें। और देखें इस तरह से हम प्लीट्स दे लेंगे, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, मैंने इस शेप में बनाए हैं देखें। और ये हम एक दूसरे से साइड्स इसकी देखें इस तरह चिपका देंगे और थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे साइड्स को थंब की मदद से। देखें बिल्कुल रेडी हैं, और इसी तरह से हम सारे मोमोज को बना लेंगे। देखें हमें इस तरह बाहर की तरफ प्लीट्स देनी है एक साइड में, और दूसरी साइड बिल्कुल हमें प्लेन रखनी है, और चिंट वाली साइड को देखें इस तरह इससे प्रेस कर देंगे, और फिंगर्स और थंब की हेल्प से हम इसे फ्लैट कर देंगे, खूब अच्छी तरह हम इसे चिपका देंगे। और इसी तरह से देखें हमने रेडी कर लिए हैं सारे मोमोज। हमने 10 मिनट के लिए देखें पानी बॉईल करने के लिए एक भगोने में रख दिया था, उसके ऊपर ये छन्नी रख दी है, और थोड़ी सी हमने ऑयलिंग कर दी थी छन्नी के ऊपर, थोड़ी सी ऑयल से ग्रीसिंग करने के बाद ये हम
मोमोज रख देंगे। कुछ छोटे साइज के भी हमने मोमोज बना रखे हैं और अब हम इन्हें 20 से 25 मिनट के लगभग हाई फ्लेम पर स्टीम करेंगे। बहुत अच्छे से स्टीम हो गए हैं और अब हम इनको डिश आउट करेंगे लाल चटनी के साथ। आप लोग भी बनाएं मोमोज और बताएं आपको कैसे लगे मोमोज, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। देखें बहुत टेस्टी मोमोज हमारे बनकर रेडी हैं। हम आपको तोड़कर दिखाते हैं कितनी अच्छे से फिलिंग हुई है इनकी और स्टीम हुए हैं ये। वाओ बहुत टेस्टी मोमोज हमारे बने हैं।